हमारे लिए कुछ कर सकते हैं? मैं टीवी का एंकर हूँ, फैशन के हवाले से बहुत मुफीद मशवरे देता हूँ मैं, बहुत सी लड़कियाँ मेरी फैन हैं। आप कौन है? मैं तुम्हारी नमाज हूँ, तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हारी गवाही मैं दूंगी। कैसी गवाही? मोहम्मदी होने की गवाही, मोहम्मदी होने की गवाही नमाज से बेहतर कौन दे सकता है? और मेरी गवाही कौन देगा? अगर मोहम्मदी तरीके पर चलते तो तुम्हारी गवाही तुम्हारी नमाज ही देती। जिसकी गवाही कोई ना दे, उनके साथ क्या करते हैं ये लोग? बहुत बुरा ठिकाना है और लगता है तुम्हारा वक्त भी पूरा हो चुका है। नहीं, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। तेरे कम आने नहीं तेरे प्यारे, तेरे सावा दे सो दे विक जाने सारे, तेरे सावा दे सो दे विक जाने सारे। जदों आए दरते, जदों आए दरते अजल दे व्यापारी, ए दो दिन दा मेला, ए दो दिन दी यारी, ए दो दिन दा मेला, ए दो दिन दी यारी। निबांदा नहीं यारी, निबांदा नहीं यारी कोई उम्र सारी, ए दो दिन दा मेला, ए दो दिन दी यारी। कितने अच्छे इंसान थे, कितनी प्यारी बातें करते थे। अभी कल ही तो बात हुई थी मेरी उनसे, वो तो भाभी दरवाजे पर आ गई और उन्होंने फोन रख दिया। 3 दिन पहले वाला प्रोग्राम देखा था जिशान का, मैं उसने ग्लैमर मेकअप करने के तरीके बताए थे। वो प्रोग्राम जिशान ने मेरी रिक्वेस्ट पर किया था। यार क्या फिट प्रोग्राम था, अभी तक मुझे याद आ रहा। तुम्हें ग्लैमरस मेकअप के तरीकों की क्या जरूरत है? ग्लैमरस मेकअप से खूबसूरत इंसान खूबसूरत तो नहीं हो जाता? खामोश, खामोश। तुम लोगों को अगर मेरी बातें इतनी अच्छी लगती हैं तो मेरे लिए कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, दुरूद पढ़ो। तुम्हारी खाम खा की बातों से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। रामिया, इन लोगों का सलूक मेरे साथ बहुत बुरा है। ये लोग तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, तुम्हारा इत्राम करते हैं, तुम मुझे अपनी नमाजें दे दो। तुम अपनी दोस्त से कहो गवाही दे दे मेरी। अफसोस, सत अफसोस, तुम्हारे पास बहुत वक्त था, बहुत से मौके थे। काश, काश के रहमतुल आलमीन को तुम सच्चे दिल से अपना आका मान लेते तो आज। मदीश के साथ है,
दिशा आप कौन? और आप ये कैसे जानते? मैं तुम्हारी फैन हूँ, तुम मेरे करीब आओ, आओ ना। तू मेरी हालत का जिम्मेदार है, तूने मुझे मशवरा दिया था ना कमीने, फास्ट कपड़े पहनो फैशन वाले, ये फैशन नहीं है आजकल ही नहीं, यहाँ तो निजाम चलाने वाले एक ही हस्ती के फैन है, काश मैं उस वक्त उनकी फैन होती तो मेरी नमाज और मेरा हिजाब मेरी गवाही देते, पर तो मेरी इस हालत का कौन जिम्मेदार है? तू तुझे नहीं छोड़ूंगी, मेरी इस हालत की तू जिम्मेदार है चुड़ैल, तू। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ना मैं तुझे देखता और ना मैं यहाँ आता, तूने मुझे देख के आंखें नीचे नहीं की तो इसमें मेरा क्या कसूर? तू सामने क्यों आ जाती, क्यों आ जाती सामने तू? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने तुम्हें आगाह किया था। हमने उनके साथ रिश्ते को मजबूत नहीं किया, तू गर असली बुलियाए इस घर च आके तू लाना डेरा, झिड़े घर च जाके तू लाना डेरा, झिड़े घर च जाके तेरे ओस गर्दा, तेरे ओस गर्दा ना बुहाना बारी, ए दो दिन दा मेला ए दो दिन दियारी, ए दो दिन दा मेला ए दो दिन दियारी, निबादा नहीं यारी निबादा नहीं यारी, कोई उम्र सारी ए दो दिन दा मेला ए दो दिन दियारी। क्या ये लोग मुझे यही छोड़ देंगे? तुम तो मेरे साथ मेरी कब्र में चलोगी ना? देखो ना, वो नाक गड़ा है, क्या क्या होगा मेरा? Ah!
مجرم سے سوالات کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاتم الانبیاء سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا تو ہوا لیکن انہیں دل سے اپنا مولا اور آقا تسلیم نہیں کیا، لہذا باحکم باری تعالی اس پر عذاب کے دروازے کھول دیے جائیں۔ یہ عذاب اس پر جاری رہے گا یہاں تک کہ روز محشر اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا، اور اگر اس روز بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے یہ محروم رہا تو اس کا ٹھکانہ ابدی جہنم ہوگا۔ تم لوگ، تم مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے، مجھے میرا وکیل چاہیے، مجھے اچھا سا وکیل دو۔ ہاں مجھے ہاتھ نہیں لگانا، میرے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں۔ نبی